नमस्कार, अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। बलोच नेता ब्रह्मदाग बुगती ने भारत में मांगी राजनीतिक शरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बलोचिस्तान के लोगों को भारत में शरण देने की अपील की। बलोचिस्तान के लोगों में मोदी के लिए सम्मान देखकर घबराया पाकिस्तान। ब्रह्मदाग बुगती ने किया खुलासा, कहा मेरे शुक्रिया कहने पर बलोच नेताओं को सजा। G20 समिट के लिए दिल्ली से रवाना हुए पीएम मोदी, लेकिन चीन से पहले जाएंगे वियतनाम। 15 साल बाद किसी भारतीय पीएम का वियतनाम दौरा। कश्मीर में बातचीत से पहले सरकार की रणनीति। सरकार ने बुलाई सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक। कल संसद भवन में होगी बातचीत। रविवार को कश्मीर जाएगा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। बलूचिस्तान में आजादी का आंदोलन कुचलने की साजिश। बरहमदाग बुगती की गिरफ्तारी की फिराक में पाकिस्तान इंटरपोल से जारी करवा सकता है नोटिस। बलूचिस्तान और पीएको को पाकिस्तान कब्जे से निकालने के लिए जम्मू में प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से करवाएगी। श्रीनगर और साउथ कश्मीर के कई जिलों में कर्फ्यू। 56वें दिन भी सड़कें रहीं सुनसान। शहर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। दिल्ली कैबिनेट से बर्खास्त संदीप कुमार का इस्तीफा। जी न्यूज के पास केजरीवाल ने कहा था कि बर्खास्त किया, संदीप का दावा खुद किया था इस्तीफे की पेशकश। अश्लील वीडियो केस में संदीप कुमार से क्राइम ब्रांच कर सकती है पूछताछ। वीडियो सार्वजनिक करने वाले ओम प्रकाश और दूसरे लोगों से भी सवाल जवाब मुमकिन। संदीप कुमार की सफाई में मर्यादा की सीमा लांघे आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष। ब्लॉग में लिखा सहमति से बने संबंध तो एतराज कैसा, महात्मा गांधी और नेहरू के चरित्र पर भी उठाए सवाल। अश्लील वीडियो मामले में आशुतोष की शर्मनाक सफाई पर बीजेपी का निशाना, कहा निचता और नीचता में है फर्क। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर लगाया दिल्ली वासियों को धोखा देने का आरोप। न कांग्रेस न आम आदमी पार्टी, अब सिद्धू बनाएंगे नया फ्रंट। आवाज़े पंजाब, अलग अलग पार्टियों के बागी नेताओं के साथ मिलकर बनाएंगे संगठन। देश भर में 15 करोड़ कर्मचारियों की हड़ताल। ट्रेड यूनियन ने श्रम कानून में बदलाव की मांग को लेकर हड़ताल की। लोगों को ही परेशानी, कहीं ट्रेनें रुकी तो कहीं बसें। दिल्ली में नर्सों की हड़ताल पर नरम पड़ी सरकार। नर्सों से बात करने के लिए तैयार हुई सरकार। नर्सों ने वेतन बढ़ाने की रखी मांग। ट्रेड यूनियन की हड़ताल से ओडिशा हुआ ठप। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह की आगजनी। स्थानीय लोगों से की झड़प। कर्मचारियों ने ट्रेनें भी रोकी। ट्रेड यूनियन की हड़ताल का पश्चिम बंगाल में व्यापक असर। कूच बिहार में प्रदर्शनकारियों ने की तोड़फोड़। सिलीगुड़ी में मेयर समेत कई लोग गिरफ्तार। कोलकाता में बाजार बंद। नोएडा में सड़क पर उतरे मजदूर संघ। सरकार के खिलाफ हुई नारेबाजी। न्यूनतम मजदूरी 20,000 करने की मांग। बिहार के जहानाबाद में ट्रेड यूनियन समर्थकों ने रोकी इंटरसिटी एक्सप्रेस। मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। NH-83 पर घंटों लगाया जाम। यूपी में रोडवेज कर्मचारियों ने किया चक्का जाम। सरकार के खिलाफ जताया विरोध। यात्री दिन भर हुए परेशान। एमपी के रतलाम में ऑटो यूनियन की हड़ताल। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर की गुंडागर्दी। महिलाओं को ऑटो से उतारा। दिल्ली के LG नजीब जंग ने न्यूनतम मजदूरी की फाइल लौटाई। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट करके साधा निशाना। केजरीवाल सरकार ने 14,000 की न्यूनतम मजदूरी को दी थी मंजूरी। अमेठी में राहुल गांधी का विरोध। आंगनबाड़ी की महिलाओं ने राहुल का रास्ता रोका। राहुल ने गाड़ी से उतरकर सुनी महिलाओं की बात, वेतन बढ़ाने की मांग। हैदराबाद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की पुलिस अधिकारियों को नसीहत, कहा तरस नहीं हमदर्दी से आए पेश। जनता से बनाए रखे अच्छे संबंध। हैदराबाद में IPS ट्रेनी ऑफिसर से मिले राजनाथ सिंह। गृह मंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर दिए टिप्स। ट्रेनी ऑफिसर्स ने राजनाथ के साथ खिंचवाई ग्रुप फोटो। वृंदावन की विधवाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उठाए अहम सवाल। यूपी सरकार से पूछा 18 साल से कम उम्र में कैसे हो जाती है लड़कियों की शादी। नाबालिग विधवाओं के पुनर्वास का मांगा एक्शन प्लान। ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा सामाजिक सुधार के नाम पर नहीं बदल सकते नियम। यदि पर्सनल लॉ को दी चुनौती तो संविधान का होगा उल्लंघन। जाकिर नायक पर मेहरबानी दिखाने वाले 4 अफसरों पर गिरी गृह मंत्रालय की गाज। IRF का FCRA लाइसेंस रिन्यू करने के आरोप में 4 अधिकारी सस्पेंड। तमिलनाडु में सरकारी महिला कर्मचारियों को मिलेगी 9 महीने की मेटर्निटी लीव। जयललिता ने दिया ऐलान। आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान ने वीडियो से की मीडिया से की बदसलूकी। फतेहगढ़ साहिब में पहले देरी से रैली में पहुंचे, फिर मीडिया से कहा नहीं है जरूरत, चले जाओ बाहर।
विवादों से घिरी राधेमा, मुंबई के एक व्यापारी ने आपराधिक मामला कराया दर्ज। बेटों पर काला जादू करने के अलावा फोन पर गालियां देने और धमकी देने का भी लगाया। लखनऊ में डीजीपी जावेद अहमद के दफ्तर में अजगर से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ा। बेटियों के दहलाने की साजिश भी नाकाम, नरेंद्र देव छात्रावास में दो छात्रों को कमरों से 8 पेट्रोल बम बरामद, पुलिस ने शुरू की जांच। वाराणसी के बीएचयू में हंगामे के बाद 26 छात्र निलंबित, वीसी ने बनाई 4 सदस्यीय जांच कमेटी, दूसरे दिन भी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। थाने के जेल सुपरिंटेंडेंट हीरालाल यादव के खिलाफ महिला के साथ छेड़खानी का केस दर्ज, उन्हीं की जेल में कांस्टेबल पद पर तैनात है पीड़ित महिला। राजस्थान हाईकोर्ट में पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की याचिका पर सुनवाई, उदयपुर पुलिस पर नजर बंद और परेशान करने का लगाया आरोप, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। राजस्थान के जोधपुर में गौशाला की हालत खराब, नंदड़ी गौशाला में 22 गायों की मौत, दो दिन हुई बारिश से गौशाला में जमा हुआ कीचड़। यूपी के बदोही में बाढ़ से किसानों की फसल बर्बाद, पानी में डूबे खेत खलियान, कई बीमारियां भी फैली। बेगूसराय में बाढ़ राहत कैंप में अलग अलग जातियों के लिए जलता है अलग अलग चूल्हा, अलग अलग ही बांटा जाता है भोजन, अधिकारी मामले को दबाने में। बिहार के छपरा और सिवान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के में जमकर अश्लीलता देखने को मिली, बार डांसर्स ने किया भद्दा डांस, कई लोगों ने डांसर्स पर नोट भी उड़ाए। हिसार में पीएम की फसल बीमा योजना के खिलाफ सैकड़ों किसानों का प्रदर्शन, योजना से कॉर्पोरेट हाउसेस को फायदा पहुंचाने का लगाया। आम आदमी पार्टी के बागी नेता एचएस किंगरा ने लगाए आम आदमी पार्टी में विदेशों से आ रही फंडिंग को लेकर गंभीर आरोप, संजय सिंह और आशुतोष पर भी लाखों रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति से लगातार 9वीं बार सम्मानित होने के बाद पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी पहुंची मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, विजयी जुलूस के बाद यूनिवर्सिटी में मना जश्न। देश भर के गुरुद्वारों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश पर्व की धूम, पंजाब के कई शहरों में नगर कीर्तन निकाले गए तो गुरुद्वारों को भी खास ढंग से सजाया गया। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किन्नरों को दी कई सौगात, उड़नी में बनेगा पॉलिटेक्निक संस्थान, करीब 27 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। यूपी के फर्रुखाबाद में दीपिका पादुकोण, जैकलीन फर्नांडिस और सोनाक्षी सिन्हा के नाम पर फर्जी बीपीएल राशन कार्ड, सब्सिडाइज रेट पर राशन ले रहे थे राकेश, रमेश और साधु। यूपी के मिर्जापुर का जिला अस्पताल हुआ कुपोषण का शिकार, कुपोषित बच्चों के वार्ड में ही रह रही है तोड़फोड़, अस्पताल के बाहर लगे गंदगी के अंबार से हालात गंभीर। एमपी के शिवपुरी में नदी के तेज बहाव में बहे 3 बाइक सवार, सड़क पार करने की कोशिश में हुआ हादसा, लोगों ने बचाई जान। प्रदेश में करीब 10,000 होमगार्ड्स जवानों की नौकरी पर तलवार, 41 की उम्र में रिटायर होने का मामला, डीजी ने नियमों के मुताबिक कार्रवाई की बात की। एमपी के नरसिंहपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, 108 पर फोन करने के बावजूद एम्बुलेंस न मिलने से महिला ने ट्रेन में ही दिया बच्चे को जन्म। एमपी के झाबुआ में एक पिता ने अपने 10 महीने के बेटे की गला रेतकर हत्या कर दी, आरोपी ने पत्नी पर शक की वजह से बेटे का किया कत्ल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर एक पिता की पीट पीट कर हत्या, आरोपी लड़के के घर पर शिकायत करने गया था मृतक। यूपी के शाहजहांपुर में इंग्लैंड से भारत आए एक एनआरआई की हत्या, हत्यारों ने रात में सोते हुए गला काट कर ली जान, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से लाई जा रही अवैध शराब का टैंकर पकड़ा, 2 तस्कर भी किए गिरफ्तार, जब्त शराब की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए। यूपी के सीतापुर में 3 फीट गड्ढे में मिला जिंदा नवजात, रोने की आवाज रेलवे कर्मचारियों ने सुनी, डॉक्टरों ने बच्चों को स्वस्थ बताया। गुरुग्राम में गैंगस्टर अशोक राठी की पत्नी की अज्ञात हमलावरों ने की हत्या, कार में सवार थे हमलावर, बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी मृतका सुषमा। पंजाब के फजिलका में बीएसएफ की गिरफ्त में आया ड्रग्स की खेती करने वाला किसान, बेटा करता है ड्रग्स की तस्करी, आरोपी से 8 किलो ड्रग्स और पिस्टल भी बरामद। राजस्थान के दौसा में एक महिला और उसकी 2 बच्चियों के शव हुए कुएं से बरामद, मायके वालों ने लगाया ससुराल वालों पर हत्या का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस। जोधपुर में एक मंदबुद्धि युवती का 4 लड़कों ने किया अपहरण, कमरे में बंधक बनाकर रखा, दुष्कर्म की कोशिश, शोर सुनकर इकट्ठा हुए लोग, आरोपियों को पुलिस के हवाले किया गया। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बेटी को जन्म देने पर महिला की बेरहमी से हत्या, घर के टैंक में डाली लाश, लड़की के माता पिता ने लगाया
पुलिस पर आरोपी ससुराल वालों को बचाने का आरोप। छत्तीसगढ़ के कोरबा में इंसानियत शर्मसार, दबंगों ने एक पति को पत्नी के शव का संस्कार करने से रोक दिया। मजबूरी में पति ने घर के पीछे ही दफनाया शव, दूसरी जाति में की थी शादी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मणिमहेश यात्रा पर जा रही टाटा सुमो हुई हादसे का शिकार, गहरी खाई में गिरने से 6 यात्रियों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बिहार के सीवान के बेलोर गांव में पेट्रोल पंप पर लूट, अपराधियों ने सेल्समैन को मारी गोली, नकदी लेकर वे फरार। उत्तराखंड में वन विभाग अब ड्रोन की मदद से जंगलों और खनन माफियाओं पर रखेगा नजर, ऑपरेट करने के लिए 15 सदस्यीय टीम को दी जा रही है ट्रेनिंग। मुंबई की दिव्यांग लड़कियां बना रही हैं गणपति की मूर्तियां, संस्था की मदद से बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाकर प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का संदेश। ईरान की तर्ज पर राजस्थान के भीलवाड़ा में भी बनाई गई नेकी की दीवार, गरीब जरूरतमंदों के लिए दीवार पर सामान छोड़कर जाते हैं लोग। दिल्ली के जगदीश प्रसाद की नेकी बनी देश के लिए मिसाल, पालम स्टेशन पर बिना पैसे लिए प्यासों की बुझाते हैं प्यास, 80 साल की उम्र में भी हिम्मत ने नहीं दिया है जवाब। ढाका में 22 साल के मोहम्मद अब्दुल्ला की जिंदा दिली ने जीता दुनिया का दिल, रेल हादसे में पैर कटने के बाद भी नहीं हारी हिम्मत, बिना पैरों के खेलते हैं फुटबॉल। सत्र के आखिरी घंटे में आई खरीदारी की वजह से 16 महीने की ऊंचाई पर बाजार, निफ्टी 8,800 के स्तर के पार, बंद से हुआ सेंसेक्स 109 अंक और निफ्टी 35 अंक। 3 करोड़ निवेशकों को रकम लौटाने के सहारा के दावों पर सुप्रीम कोर्ट को नहीं है भरोसा, कहा रिफंड का दिखाइए दस्तावेज, 23,000 करोड़ रकम का भी मांगा सोर्स। ऑफर्स के जरिए ग्राहकों को फांसने वाली ऑनलाइन वेबसाइट्स पर कसेगा शिकंजा, हफ्ते भर में जारी हो सकता है उपभोक्ता मंत्रालय का निर्देश, मनी बैक या कैशबैक के ऑफर्स में लानी होगी पारदर्शिता। रिलायंस जियो और दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स में और गहराया विवाद, रिलायंस के कर्मचारियों का नंबर अब तक जियो में नहीं हुआ पोर्ट, दूसरी कंपनियों ने खारिज की रिलायंस की नंबर पोर्टिंग। को तगड़ा झटका, हाल ही में लॉन्च गैलेक्सी नोट 7 के रिकॉल का फैसला, चार्जिंग के वक्त विस्फोट की खबर के बाद उठाया कदम। चीनी मिलों पर स्टॉक लिमिट लगने से चीनी वायदे में गिरावट, चीनी का भाव करीब 1% टूटा। पाकिस्तान के 2 इलाकों में आतंकी हमला, पेशावर में दहशतगर्दों ने क्रिश्चियन कॉलोनी को बनाया निशाना, 6 लोगों की मौत, 4 आतंकी ढेर, मर्दान शहर में आतंकी हमले में 12 लोगों की मौत। जिम्बाब्वे में सरकार ने विरोध प्रदर्शनों पर लगाया बैन, राजधानी हरारे में 2 हफ्ते तक नहीं होगा कोई भी प्रदर्शन, जिम्बाब्वे की खराब अर्थव्यवस्था को लेकर किए जा रहे हैं कई प्रदर्शन। वेनेजुएला के काराकास में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, प्रदर्शनकारियों ने फेंके पत्थर, राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। इंडोनेशिया के एक व्यक्ति ने दुनिया के सबसे उम्रदराज होने का किया है दावा, सिडिमेजो ने 146 साल बताई है अपनी उम्र। अमेरिका के फ्लोरिडा में स्पेस एक्स रॉकेट लॉन्च के दौरान हुआ विस्फोट, हादसे में किसी को नुकसान नहीं, मीलों दूर तक सुनाई दी आवाज। सेल्वाडोर में आग के गोले फेंकने का त्योहार मनाया गया, साल 1922 में ज्वालामुखी में हुए विस्फोट के बाद मनाया जाता है ये त्योहार। कजाकिस्तान में ट्रैफिक से निपटने के लिए व्यक्ति ने की शुतुरमुर्ग की सवारी, कार के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वाकया। एक्टर जैकी चैन को ऑस्कर के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, इस साल नवंबर में दिया जाएगा ये सम्मान। ऑस्ट्रेलिया में 8 साल की गोल्फर रूबी ने आसमान पर उड़ते ड्रोन को बनाया अपने शॉट का निशाना, दुनिया भर में वायरल हुआ वीडियो। पाकिस्तान में लगेज स्कैनर में घुसा एक युवक, सुरक्षा कर्मियों की बात समझ नहीं आई तो लगेज समेत स्कैनर में घुसा, पाक अफगानिस्तान सीमा पर तोड़खम की है ये घटना। योगेश्वर दत्त का लंदन ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल मुमकिन है गोल्ड मेडल में बदल जाए, सिल्वर मेडल विजेता के बाद गोल्ड मेडलिस्ट के भी डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने की है खबर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज हैरिस बने टीम के बॉलिंग कोच, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हैरिस को सौंपी टीम की जिम्मेदारी। एक फैशन मैगजीन को दिए इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने मानी खुद को शराब की लत की बात, कहा परिवार में और भी लोग इससे रहे हैं परेशान। 2008 में आई फिल्म रॉकन की सीक्वल रॉकन 2 का फर्स्ट लुक आउट, फिल्म में फरहान अख्तर, श्रद्धा कपूर और अर्जुन रामपाल की मुख्य भूमिका। दीपिका पादुकोण के सबसे अमीर होने के सवाल पर गुस्से में चलती बनी कंगना रनौत, कुछ वक्त पहले खुद को बताती थी बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस।
प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पाडुकोन की राह पर चली सोनम कपूर, अमेरिका की टॉप टैलेंट एजेंसी यूटीए के साथ सोनम ने किया करार साइन। प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर किया अपनी होम प्रोडक्शन की पहली रीजनल फिल्म वेंटिलेटर का फर्स्ट लुक शेयर, फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस भी देंगी।